Hello everyone, in this video we are going to revise the general surgery topic, that is hernia. Okay, so let's start. Hernia means to rupture. तो hernia का मतलब होता है rupture. Now सबसे पहले हम inguinal hernia पढ़ेंगे. ये diagram जो है, this is the diagram of anterior abdominal wall. See, बीच में ये umbilicus का sign है, यहाँ बीच में है rectus abdominis muscle. साइड में सबसे ऊपर होती है हमारी एक्सटर्नल ऑब्लिक, और एक्सटर्नल ऑब्लिक के नीचे होती है हमारी इंटरनल ऑब्लिक. ओके, एंड उसके सबसे नीचे होती है ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस. तो ये मसल्स है जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल पे होती है. तो देन वी हैव अ आर्कुएट लाइन. ओके, सो दिस इज आर्कुएट लाइन एंड बिलो में प्यूबिक सिम्फाइसिस है. सो ये सारे हमने लैंडमार्क पढ़ लिए. अब हम देखते हैं हमारी रेक्टस शीथ. सो रेक्टस शीथ बेसिकली मसल्स से मिलके बनती है. हम देखते हैं, सी हमने देखा सबसे जो हमारे बिल्कुल मिड में जो मसल है वो है रेक्टस एब्डोमिनिस. ओके, एंड साइड में हमने देखा एक्सटर्नल ऑब्लिक थी, उसके नीचे इंटरनल ऑब्लिक, उसके नीचे ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस. जब हमारे पास रेक्टस शीथ की फॉर्मेशन होती है, सो एंटीरियर रेक्टस शीथ होती है, पोस्टीरियर रेक्टस शीथ होती है. हम इसको दो तरह से पढ़ेंगे, एक तो अबाव आर्कुएट लाइन, जो हमने ये आर्कुएट लाइन देखी है ना, एक तो देखेंगे इसके ऊपर रेक्टस शीथ कैसी होती है और इसके नीचे. तो सबसे पहले ऊपर वाली देखते हैं. तो एंटीरियर में क्या होता है, हमारे पास एक्सटर्नल ऑब्लिक ऊपर जाएगी, इंटरनल ऑब्लिक स्प्लिट हो जाएगी, रेक्टस के ऊपर भी होगी नीचे भी. तो एंटीरियर रेक्टस शीथ की कौन कौन बना रहा है, एक्सटर्नल ऑब्लिक और इंटरनल ऑब्लिक. जबकि पोस्टीरियर रेक्टस शीथ कौन बना रहा है, इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस. ओके, एंड फेशियल ट्रांसवर्सिस. तो ये हमारी होगी पोस्टीरियर रेक्टस शीथ अबव आर्कुएट लाइन. अब हम देख रहे हैं बिलो आर्कुएट लाइन. तो बहुत सिंपल है, बिलो आर्कुएट लाइन में पोस्टीरियर कोई रेक्टस शीथ नहीं होती, क्योंकि सारी की सारी मसल्स जो है एंटीरियरली ही कन्वर्स करती है. तो रेक्टस के अबव होगी हमारे पास कौन कौन सी, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस. तो ये तीनों मसल्स हमारी बनाएगी एंटीरियर रेक्टस शीथ बिलो आर्कुएट लाइन. ओके, और पोस्टीरियर एब्सेंट होगी. नाउ अगर हम डायग्राम देखें, हमने एब्डोमिनल वॉल ड्रॉ करी, दिस इज़ अ पेरिटोनियम और ये हमारी इंग्वाइनल कैनाल है, बिलो में स्क्रोटम. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस, दिस पेरिटोनियम इन्वेजिनेट्स. तो पेरिटोनियम जो है वो नीचे प्रोसेस करेगी और इंग्वाइनल कैनाल से नीचे आएगी, और उसी के साथ हमारे पास मतलब टेस्टिस आती है नीचे पेरिटोनियम के थ्रू, थ्रू द इंग्वाइनल वॉल. एंड उसके बाद क्या होगा, तो स्क्रोटम में हमारी टेस्टिस आ गई इस प्रोसेस के थ्रू. एंड आफ्टर दैट दिस पेरिटोनियम, जो ये पेरिटोनियम है इनसाइड द इंग्वाइनल कैनाल, दिस इज नोन एज प्रोसेसिस वेजाइनलिस एंड दिस ऑब्लिटेट विद टाइम. तो ये ऑब्लिटेशन हो जाती है इसकी. नाउ नेक्स्ट हम इंग्वाइनल कैनाल के बारे में पढ़ेंगे. सो इंग्वाइनल कैनाल इज़ बेसिकली 3.75 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग. सो इंग्वाइनल कैनाल हमारे पास इतनी होती है. अब हम इंग्वाइनल कैनाल, एक कैनाल है तो उसकी दो रिंग होगी, एक डीप इंग्वाइनल रिंग और एक सुपरफिशियल. ओके, अब हम देखेंगे कि ये दोनों रिंग की सिचुएशन क्या होती है, मतलब कहाँ इनकी पोजीशन होती है. सो सी, जो हमारे पास ये लेटरल एंड है और ये मीडियल एंड है, तो लेटरल एंड पे क्या है, डीप इंग्वाइनल रिंग. तो डीप इंग्वाइनल रिंग बेसिकली फेशिया ट्रांसवर्सलिस में एक ओपनिंग या डिफेक्ट होता है, और इसकी पर्टिकुलर अगर हम पोजीशन देखें तो 1.2 सेंटीमीटर अबव इंग्वाइनल लिगामेंट होता है. ओके, देखते हैं हम. सी, इंग्वाइनल लिगामेंट हमारे पास, दिस इज द इंग्वाइनल लिगामेंट, हियर यू कैन सी. सी, हमारे पास दो चीज़ें होती है, एक होता है मिड इंग्वाइनल पॉइंट और एक होता है मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट. जो हमारे पास इंग्वाइनल लिगामेंट है ना, वो होता है हमारे पास ASIS से प्यूबिक ट्यूबरकल तक. ठीक है, तो इंग्वाइनल लिगामेंट क्या हो गया हमारे पास, ASIS से प्यूबिक ट्यूबरकल तक. ओके, तो इसका मिड पॉइंट होगा मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट, जबकि मिड इंग्वाइनल पॉइंट हमारा क्या होगा, ASIS से प्यूबिस सिम्फाइसिस का जो मिड पॉइंट है उसको कहेंगे मिड इंग्वाइनल पॉइंट. ओके, क्योंकि यहाँ हमारी है इंग्वाइनल कैनाल और ये है हमारी इंग्वाइनल लिगामेंट. तो ये दोनों डिफरेंस समझे. अब हम देख रहे हैं डीप इंग्वाइनल रिंग का है 1.25 अबव इंग्वाइनल लिगामेंट. सो एंड एट मिड इंग्वाइनल पॉइंट, देखो ये है ना हमारी इंग्वाइनल लिगामेंट, इससे 1.25 सेंटीमीटर अबव एट मिड इंग्वाइनल पॉइंट. तो दिस इज द प्रॉपर पोजिशन ऑफ द डीप इंग्वाइनल रिंग. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सरफेस मार्किंग्स. सो हमने ये देखा ना, मिड इंग्वाइनल, मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट और मिड इंग्वाइनल
पॉइंट, ये दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है इन पॉइंट्स की। जो मेरिंगोइनल पॉइंट है दैट इज सरफेस फॉर फेमोरल आर्टरी, ठीक है, तो इसको हमें याद रखना है कि जो फेमोरल आर्टरी है वो पास करती है मेरिंगोइनल पॉइंट से, यहाँ से, जबकि हमारे पास जो मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट है वो सरफेस मार्किंग है फेमोरल नर्व की, तो आर्टरी ऊपर है, नर्व नीचे है। दिस वे यू कैन रिमेंबर दिस। सो दिस इज़ अवर डीप इंग्वाइनल रिंग, और डीप इंग्वाइनल रिंग से हमारी क्या पास कर रही है, इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल। सो ये याद रखना है कि जो डीप इंग्वाइनल रिंग है वहाँ से इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स पास कर रही है, और जो मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट का बीच का पॉइंट है वहाँ से नर्व पास कर रही है फीमोरल नर्व, और जो इंग्वाइनल पॉइंट है मिड इंग्वाइनल पॉइंट वहाँ से आर्टरी पास कर रही है। ओके नर्व, अब हम देखते हैं सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग का है, तो ये हमारी सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग थी जो कि मीडियल एंड है इस इंग्वाइनल कैनाल का। ये बेसिकली डिफेक्ट होता है एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस में, जो एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस है उसके अंदर डिफेक्ट होता है, उसमें एक ओपनिंग होती है, और ये कहाँ लोकेटेड होता है, दिस इज़ प्रेजेंट 1.25 सेंटीमीटर अबव प्यूबिक ट्यूबरकल। सो ये याद रखना है, ये इतना प्यूबिक ट्यूबरकल के ऊपर होता है, जबकि जो हमारे पास डीप इंग्वाइनल रिंग है वो 1.25 सेंटीमीटर अबव द मिड पॉइंट मिड इंग्वाइनल पॉइंट होती है, यहाँ से मिड पॉइंट फॉर द इंग्वाइनल लिगामेंट के ऊपर होगी मिड इंग्वाइनल पॉइंट पे। ओके नाउ अब हम देखते हैं वॉल्स, तो सबसे पहले देखते हैं एंटीरियर वॉल। सो अगर हम एंटीरियर वॉल की बात करें ना, क्योंकि हमने देखा एब्डोमिनल वॉल जो एंटीरियर है उसमें एक्सटर्नल ऑब्लिक होता है, तो इंग्वाइनल कैनाल की एंटीरियर वॉल बनती है एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस से, थोड़े बहुत फाइबर्स हमारे इंटरनल ऑब्लिक के आते हैं, क्योंकि हमने देखा कि एक्सटर्नल ऑब्लिक है उसके नीचे इंटरनल ऑब्लिक है, तो लिटरली कुछ फाइबर्स आते हैं इंटरनल ऑब्लिक। मेनली हमें याद रखना है एंटीरियर में एक्सटर्नल ऑब्लिक होती है। ओके सो अगर हम ये डायग्राम देखें, सो इन दिस यू कैन सी दिस इज़ द लेटरल एंड। ओके सो लेटरली थोड़े ये एंटीरियर वॉल दिखाई हमने कैनाल की, तो एक्स्ट्रा ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस है, लेटरली थोड़े इंटरनल ऑब्लिक के फाइबर्स है, दिस वे यू कैन ड्रॉ दैट। नाउ पोस्टीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल बनती है हमारी फेशियल ट्रांसवर्सली से, हमने देखा भी था कि लास्ट हमारी लेयर जो बिल्कुल नीचे थी वो फेशियल ट्रांसवर्सली थी, तो पोस्टीरियर वॉल फेशियल ट्रांसवर्सली से बनती है। ओके सो हियर यू कैन सी ये हमारी कंप्लीट एक कैनाल थी जिसको हमने ऐसे ओपन किया है, तो ये पोस्टीरियर वॉल हम वी कैन सी दैट जिसके अंदर हमारी जो है स्पर्मेटिक कॉर्ड है, सो दिस पोस्टीरियर वॉल इज फॉर्म ऑफ द फेशियल ट्रांसवर्सलिस। ओके नाउ रूफ की बात करते हैं, तो रूफ बनती है कंजॉइंट टेंडन से, ये कंजॉइंट टेंडन बनता है हमारा इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस से। ओके सो यू नीड टू रिमेंबर दैट कि रूफ हमारी कंजॉइंट टेंडन से बनती है। अब ये कंजॉइंट टेंडन क्या होता है, कंजॉइंट टेंडन इज बेसिकली आर्क्ड फाइबर ऑफ इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस। सी अगर हम यहाँ देखें, ये पोस्टीरियर वॉल थी, ओके यहाँ ये कंजॉइंट टेंडन यहाँ प्रेजेंट होता है, मतलब जिसमें थोड़े से इंटरनल ऑब्लिक के फाइबर्स होंगे और ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस के होंगे, तो ये हमारी रूफ किससे बनती है, कंजॉइंट टेंडन से और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस से। अब फ्लोर की बात करते हैं, तो फ्लोर सिंपल है इंग्वाइनल लिगामेंट से बनेगी। ओके और इंग्वाइनल लिगामेंट क्या हो रहा है, बेसिकली एक्सटर्नल ओब्लिक ही रोल अप करके फॉर्म कर रहा है। ओके अब हम बात करते हैं कंटेंट्स की, सो कंटेंट्स आर वेरी इजी टू रिमेंबर। कंटेंट्स में सबसे मेन है स्पर्मेटिक कॉर्ड, और फीमेल्स में राउंड लिगामेंट प्लस में इलियो इंग्वाइनल नर्व। ठीक है, तो इलियो इंग्वाइनल नर्व जो है सिर्फ सुपरफिशियल रिंग पर कंटेंट होता है, क्यों, क्योंकि इन दिस डायग्राम यू कैन सी इलियो इंग्वाइनल नर्व यहाँ से पास करती है इस तरह से, तो डीप का तो कंटेंट नहीं हुआ, सिर्फ सुपरफिशियल का हुआ, तो सुपरफिशियल का कंटेंट है इलियो इंग्वाइनल नर्व। तो कंटेंट क्या क्या हो गए, पहला मेन है स्पर्मेटिक कॉर्ड जो सबसे मेन है, फीमेल्स में राउंड लिगामेंट प्लस में इलियो इंग्वाइनल नर्व जो कि सिर्फ सुपरफिशियल है। अब हम कंटेंट को याद करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका, 3V, 3A and 3 others, एंड 3V में हमारे पास कौन कौन से आ गए, वेन्स, फर्स्ट वी आ गया वेन्स। ओके सो हम इस वे से इन तीनों कंटेंट्स को याद कर सकते हैं, फर्स्ट वी हैव द वेन्स, देन वॉस डिफरेंस, एंड वी से प्रोसेस वेजाइनलिस, तो 3V याद हो गए। 3A आर द टेस्टिकुलर आर्ट्री, आर्ट्री टू वॉस डिफरेंस एंड क्रीमेस्ट्रिक आर्ट्री, सो बेसिकली ए से तीन आर्ट्री है। एंड अदर स्ट्रक्चर्स क्या है, नॉर्मली क्या होता है, लिम्फेटिक्स होती है, नर्व होते हैं। ओके सो अदर स्ट्रक्चर्स में हमारे टेस्टिकुलर लिम्फेटिक्स, सम नर्व फाइबर्स एंड जेनाइटल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफेमोरल नर्व, सो ये हमारे 3 अदर स्ट्रक्चर्स हो गए। सो 3V, 3A and 3 other structure, ये हो गए कंटेंट्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हेजलबैक ट्रायंगल। सो हेजलबैक ट्रायंगल की सबसे पहले अगर बाउंड्रीज देखें हम, सो सी
दिस इज़ द हेजलबैक ट्राइंगल, जो है नीचे अगर देखें तो इंग्वाइनल लिगामेंट और जो मीडियल बॉर्डर, इस हेजलबैक की बाउंड्री है, तो हमारे पास मीडियल बॉर्डर कौन बना रहा है? मीडियल में तो है हमारे पास पूरी यहाँ पे रेक्टस एब्डोमिनिस थी मिड में, तो रेक्टस एब्डोमिनिस का लेटरल बॉर्डर तो इसका मीडियल बॉर्डर बना रहा है, ओके। एंड लेटरली देखें तो इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी इसका लेटरल बॉर्डर बना रही है। इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी कहाँ से पास कर रही थी? हमने देखा था ना, यू कैन सी हियर, अगर मैं दिखाऊँ तुम्हें, सी डीप इंग्वाइनल रिंग से इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स पास कर रही है, तो ये हो गया हमारा लेटरल बॉर्डर, इधर रेक्टस एब्डोमिनिस हो गया और नीचे इंग्वाइनल लिगामेंट हो गया, ओके सिंपल। सो दिस इज़ द हेजलबैक ट्रायंगल, बेसिकली दिस इज द वीक एरिया। नाउ अब इंग्वाइनल हर्निया के कॉज क्या हैं? तो सिंपल कॉज हैं, सबसे मेन है कि एब्डोमिनल वॉल में वीकनेस है, वो वीकनेस बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकती है। सेकेंड इज़ द प्रेशर इंक्रीज ऑफ द इंट्रा एब्डोमिन, ओके। सो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर की वजह से हो सकता है। अब ये प्रेशर कैसे बढ़ सकता है, इसके भी बहुत सारे रीजंस हैं, ओबेसिटी, एसआईटी, सीओपीडी, कॉन्स्टिपेशन, पीपीएच, ये सारे जो है इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर को राइज करते हैं। सो दिस वे यू कैन ईजिली रिमेंबर द कॉजेज ऑफ इंग्वाइनल हर्निया। नाउ अब जो इंग्वाइनल हर्निया है वो दो तरह का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब कि वो पोस्टीरियर वॉल से पास हो रहा है, और इनडायरेक्ट वो कंप्लीट पाथ को फॉलो करता हुआ आ रहा है, इनडायरेक्टली आ रहा है। तो इनडायरेक्ट देखते हैं सबसे पहले। इनडायरेक्ट में क्या होगा, हमारे पास सबसे पहले वो डीप इंग्वाइनल रिंग को पास करेगा, ओके, फिर पूरी इंग्वाइनल कैनाल को, एंड देन हमारे स्क्रोटम में आएगा। सो दिस इज द पाथ ऑफ द इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, ओके। नाउ हमारे पास जो हर्निया होता है, कंप्लीट सैक होता है, उसके पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पार्ट्स क्या क्या है, सबसे पहले नेक, ओके, कॉन्स्ट्रिक्टेड एरिया जो है वो नेक होता है, देन बॉडी और सैक। जो हमारे पास सैक होता है दैट इज़ बेसिकली पार्ट ऑफ पेरिटोनियल लेयर, एंड देन फाइनली द फंडस। सो ये तीन पार्ट हो गए हमारे हर्निया के, नेक, बॉडी एंड द फंडस। नाउ दिस सैक, ये जो सैक है ये एंटर कहाँ से कर रहा है, डीप इंग्वाइनल रिंग से, ओके, फिर ये पास करता है सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग को। तो जो ये पाथ फॉलो करता है वो हो गया इनडायरेक्ट हर्निया। अब इनडायरेक्ट हर्निया के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत सारे तो नहीं, तीन टाइप्स होते हैं, विबेनोसील, फनिकुलर एंड कंप्लीट। विबेनोसील में क्या होता है कि जो ये हमारे पास सैक है ये सिर्फ इंग्वाइनल कैनाल में ही रह जाता है, उसे नीचे नहीं आता। फनिकुलर में क्या होगा, ये इंग्वाइनल कैनाल से भी नीचे आ रहा है, एंड कंप्लीट में वो स्क्रोटम तक आ रहा है, टिल स्क्रोटम। सो ये तीन टाइप हो गए, विबेनोसील, फनिकुलर एंड कंप्लीट। नाउ डायरेक्ट की बात करते हैं। तो डायरेक्ट कब होता है, जब सैक जो है वो डायरेक्टली एंटर करता है थ्रू द पोस्टीरियर वॉल। सी ये डीप इंग्वाइनल रिंग थी सुपरफिशियल, लेकिन यहाँ से नहीं आ रहा हमारा सैक, डायरेक्ट यहाँ से ही पास हो रहा है। ये कब होगा, जब पोस्टीरियर जो वॉल है वो वीक होगी, ओके, तो तब यहाँ से होगा, दिस इज़ द डायरेक्ट। एंड ये डीप इंग्वाइनल रिंग से पास नहीं करता, और हमने देखा था यहाँ मार्किंग अगर देखें तो ये इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स थी हियर। और अगर तुम यहाँ ध्यान से देखो तो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया में क्या होता है, जो नेक है सैक की वो मीडियल होगी इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी से, राइट। सो डायरेक्ट में ये मीडियल होगी, जबकि यही इनडायरेक्ट में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से आती, तो हम कह देते हैं कि इनडायरेक्ट में जो ये नेक है ये लेटरल टू द इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, ओके। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस, वे वी कैन डिफ्रेंशिएट दिस। अब अगर एक ही साइड में हमारे पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों हर्निया है, उसको कहते हैं हम पेंटेलून हर्निया, ओके। सो इफ़ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बोथ आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड, पेंटेलून हर्निया। एंड नाउ इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया की ये मोस्ट कॉमन होता है इनडायरेक्ट, जो कि डीप से आता है फिर सुपरफिशियल से आता है, वो इनडायरेक्ट हो गया, वो मोस्ट कॉमन होता है। अब उसकी हमारे पास बहुत सारी क्लासिफिकेशन है, सो हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। बेसिकली दो क्लासिफिकेशन हमें देखनी है, फर्स्ट इज़ द गिलबर्ट क्लासिफिकेशन, देन निहस क्लासिफिकेशन। अब गिलबर्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं। गिलबर्ट में क्या होता है, हमने सात क्लासेस में डिवाइड करा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ओके। अब जो पहले तीन है वो इनडायरेक्ट हर्निया के हैं। अब इनडायरेक्ट हर्निया कैसे याद करना है, सिंपल, जो पहला वाला है ना उसमें हम फिंगर पुट नहीं कर सकते, इतना ही डिफेक्ट है कि हम फिंगर भी पुट नहीं कर सकते। तो फर्स्ट में इनडायरेक्ट हर्निया है, बट फिंगर, नॉट एबल टू पुट फिंगर, ओके। सेकेंड इज़ हम एक फिंगर पास कर सकते हैं, इतना डायलेटेड है। एंड थर्ड इज़ हम टू और मोर फिंगर्स पास कर सकते हैं, सो नो फिंगर, नो कांट पास एनी फिंगर।
एंड पास वन फिंगर एंड पास टू और मोर फिंगर. तो ये तो तीन हो गए इनडायरेक्ट के. अब जो फोर्थ होता है वो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होता है, जिसमें पोस्टीरियर वॉल कंप्लीट जो है डिफेक्ट होता है, फुल ब्लोन डिफेक्ट होता है पोस्टीरियर का, क्योंकि डायरेक्ट तो हमारा पोस्टीरियर वॉल से होगा, राइट. अब हम बात करते हैं फिफ्थ की. ये तो फोर्थ की हो गई. फिफ्थ में क्या होता है, डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया विद अ पंच्ड आउट डिफेक्ट. यहाँ तो होता है फुल ब्लोन डिफेक्ट, यहाँ कि कंप्लीट की कंप्लीट पोस्टीरियर वॉल इंग्वाइनल कैनाल की डिफेक्टेड है, राइट. यहाँ है पंच्ड आउट डिफेक्ट कि पार्ट ऑफ पोस्टीरियर वॉल जो है वो डिफेक्टेड है. एंड सिक्स में पेंटेलून जो कि सेम साइड पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों है. सेवन्थ इज द फ्यूमोरल. सो ये क्लासिफिकेशन होगी गिलबर्ट क्लासिफिकेशन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट निहस क्लासिफिकेशन. सी दिस इज द निहस क्लासिफिकेशन, वेरी इजी क्लासिफिकेशन. इसमें हमारे पास चार पार्ट है, 1, 2, 3, 4. फर्स्ट इज फॉर इनडायरेक्ट हर्निया. फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर फॉर इनडायरेक्ट. ओके, तो फर्स्ट है जब नॉर्मल डीप इंग्वाइनल रिंग है तब इनडायरेक्ट हो रहा है. सेकेंड डायलेटेड डीप इंग्वाइनल रिंग. ओके, दैट इज सेकेंड. थर्ड इज पोस्टीरियर वॉल डिफेक्ट है. पोस्टीरियर वॉल डिफेक्ट में भी तीन है, क्योंकि पोस्टीरियर वॉल से हमारा डायरेक्ट भी हो सकता, क्योंकि डायरेक्ट ही होता है ना पोस्टीरियर से. उसके अलावा पेंटेलून्स की बोथ है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑन द सेम साइड एंड फ्यूमोरल. तो ये हो गया पोस्टीरियर वॉल डिफेक्ट. एंड फोर्थ इज द रिकरेंट. सो फर्स्ट इज फर्स्ट टू आर इनडायरेक्ट थ्रू नॉर्मल डीप इंग्वाइनल रिंग, डायलेटेड डीप इंग्वाइनल रिंग. थर्ड इज द पोस्टीरियर वॉल डिफेक्ट एंड फोर्थ इज द रिकरेंट. रिकरेंट के भी हमारे पास ए बी सी डी चार पार्ट्स हैं. सो इनको हम याद कर सकते हैं डी आई एफ सी के थ्रू. ठीक है, डी से डायरेक्ट, आई से इनडायरेक्ट, एफ से फ्यूमोरल एंड सी से कंबाइंड. मीन्स ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी कम्बिनेशन में हो सकता है. ओके, लाइक फ्यूमोरल हो सकता है पेंटेलून, डायरेक्ट हो सकता है फ्यूमोरल, इनडायरेक्ट फ्यूमोरल, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, बेसिकली कॉम्बिनेशन. सो डी आई एफ सी, यू नीड टू रिमेंबर दैट. नाउ वन मोर क्लासिफिकेशन इज देयर, दैट इज द यूरोपियन हर्निया सोसाइटी. तो जो यूरोपियन हर्निया सोसाइटी है इसमें हम हर्निया को डिवाइड करते हैं, बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं. जैसे हर्निया प्राइमरी हो सकता है, रिकरेंट हो सकता है, लेटरल हो सकता है, मीडियल हो सकता है, फ्यूमोरल. सो लेटरल मीन्स इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, कोई भी हो सकता है. देन डिफेक्ट साइज, हम फिंगर की ब्रेथ से साइज को मेजर करते हैं. अगर वन फिंगर ब्रेथ है दैट इज 1.5, इफ ओके दैट इज नियरली 1.5. और अगर हम नियरली मान के चल रहे हैं, तो अगर वन फिंगर है तो हम लेस देन 1.5 मानते हैं, टू है तो 1.5 से 3, एंड थ्री फिंगर डिफेक्ट है तो मोर देन 3 सेंटीमीटर होगा. नाउ तो हम इसकी कैसे क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं. जैसे हमने PL2 लिख दिया, P मीन्स प्राइमरी है, L मीन्स लेटरल दैट इज इनडायरेक्ट हर्निया, एंड 2 मीन्स द डिफेक्ट इज 1.5 to 3 सेंटीमीटर इन बिटवीन दैट. ओके, सो सेम वे वी कैन नेम. नाउ हर्निया वर्सेज हाइड्रोसील, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है. सी हर्निया इज रिड्यूसिबल, हम रिड्यूस कर सकते हैं हर्निया को. कम पिंपल्स प्रेजेंट होती है हर्निया में, और गेटिंग अबव द स्वेलिंग ये प्रेजेंट नहीं होती हर्निया में. गेटिंग अबव द स्वेलिंग जो है वो पॉसिबल होती है हाइड्रोसील में. ओके, नाउ ट्रांस एलोमिनेशन, यू नो दैट हाइड्रोसील में प्रेजेंट होता है और हर्निया में नेगेटिव होता है. सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द हर्निया एंड हाइड्रोसील. सो इन दिस डायग्राम यू कैन सी गेटिंग अबव द स्वेलिंग. गेटिंग अबव द स्वेलिंग का मतलब क्या होता है, हर्निया है, हर्निया का डिफेक्ट तो ऊपर तक है क्योंकि ये जा रहा है कम्प्लीट. सो हम इसके ऊपर, गेट अबव द स्वेलिंग, स्वेलिंग को हम कभी भी इसके ऊपर रीच नहीं कर सकते, राइट. जबकि हाइड्रोसील में हम स्वेलिंग के अबव रीच कर सकते, दैट इज गेटिंग अबव द स्वेलिंग. तो हाइड्रोसील में प्रेजेंट होगा, इसमें नहीं होगा, और इसमें ट्रांस एलिमिनेशन भी प्रेजेंट होता है. सो दीज टू आर इंपॉर्टेंट. नाउ इसका मैनेजमेंट क्या होता है, दैट विल सी कि जो मैनेजमेंट है सारे हर्निया की सर्जरी दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. सर्जरी सिर्फ कुछ हर्निया में चाहिए होती है. ओके, जब सिम्टोमेटिक हो, ज़्यादा रिलीफ, ज़्यादा प्रॉब्लम हो पेशेंट को. सो सर्जरी में हम LAGA ऐसे किसके अंडर कर सकते हैं, दैट इज़ लोकल एनेस्थेटिक, जनरल एनेस्थेटिक, ओके, स्पाइनल. देन हम करते क्या है, बेसिकली फर्स्ट प्रोसीजर इज द हर्नियोटोमी. हर्नियोटोमी, टोमी मीन्स ओपनिंग. सो हर्नियोटोमी में क्या करते हैं, हम इंग्वाइनल कैनाल को ओपन करते हैं, सेक को आइडेंटिफाई करते हैं जो उसमें होता है, उस सेक को हम सेपरेट करते हैं कॉर्ड स्ट्रक्चर से. ओके, सेक को ओपन करेंगे और कंटेंट को पुट बैक कर देंगे एब्डोमिनल कैविटी में, पेरिटोनियल कैविटी में, और फिर हम सेक को डिवाइड करेंगे, लाइगेट कर देंगे. बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम ओपन कर रहे हैं इंग्वाइनल कैनाल को, सेक को ओपन कर रहे हैं और सेपरेट कर रहे हैं सारे स्ट्रक्चर्स को, वापस पुट कर रहे हैं एब्डोमिनल कैविटी में और उसको लाइगेट कर रहे हैं. ओके,
अब हर्नियोटोमी एक बार कर दी तो चांसेस है ना कि दोबारा भी हो जाए, क्योंकि वीक है, वॉल तो अभी तक वीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद हम हर्नियोरेफी या हर्नियोप्लास्टी कर सकते हैं, मतलब स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए मैश यूज़ कर सकते हैं, या फिर हर्नियोरेफी मीन्स बॉडी के सूचर्स कर सकते हैं, बॉडी का खुद का टिश्यू यूज़ कर सकते हैं। सो ये दोनों स्ट्रेंथनिंग के लिए होता है बेसिकली। अब हम एक एक पढ़ेंगे हर्नियोरेफी। हर्नियोरेफी में बेसिकली हमारे पास अलग अलग नेम सर्जरी होती है बहुत सारी। सो सी, फर्स्ट वन इज़ द बेसिनी रिपेयर। बेसिनी रिपेयर में क्या करते हैं, हम जो कंजॉइंट टेंडन है उसको सूचर करेंगे इंग्वाइनल लिगामेंट के साथ। ओके, ऐसे ही सोल्डिस रिपेयर होता है। सोल्डिस रिपेयर मल्टी लेयर रिपेयर होता है बेसिकली। यहाँ क्या करते हैं, फेशिया ट्रांसवर्सलिस की डबल ब्रेस्टिंग करता है। डबल ब्रेस्टिंग मतलब फेशिया ट्रांसवर्स को कट किया और हमने एक दूसरे के ऊपर, जैसे ये फेशिया ट्रांसवर्सल है, हमने कट किया और इसको ऐसे डबल ब्रेस्टिंग कर दी, एक दूसरे के ऊपर लगा दी। ओके, सो हमारे पास हर्नियोरेफी के अंदर मैकवेज रिपेयर होता है, डिसार्डा रिपेयर होता है। तो ये सारे के सारे इसमें क्या करते हैं, बेसिकली हम सूचर करते हैं, बॉडी का ओन टिश्यू हम यूज़ करते हैं। सो दीज ऑल आर द हर्नियोरेफी। नाउ अगर हम बात करें हर्नियोप्लास्टी की, सो हर्नियोप्लास्टी में हम क्या करते हैं, मैश यूज़ करते हैं। ओके, तो मैश हमारे पास बहुत सारी होती है अलग अलग। फर्स्ट इज़ द लैंकेनस्टीन टेंशन फ्री मैश हर्नियोप्लास्टी। ये गोल्ड स्टैंडर्ड होती है क्योंकि इसमें रिकरेंस बहुत कम होती है, मिनिमम होती है, ठीक है। एंड इस मैश को क्या करते हैं, हम बेसिकली पुट करते हैं मैश को स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करने के लिए। और मैश स्ट्रेंथनिंग कैसे प्रोवाइड करती है, फाइब्रोसिस की हेल्प से, क्योंकि मैश को एकदम हम पुट करेंगे इनसाइड द बॉडी, तो ये एक फॉरेन मटेरियल है, तो बॉडी का इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो है वो अकर होगा एंड उसकी वजह से फाइब्रोसिस होगा, फाइब्रोसिस की वजह से स्ट्रेंथनिंग होगी। ओके, सो इसके अलावा हमारे पास और कौन से प्रोसीजर है, पैच एंड प्लग रिपेयर, प्रोलिन हर्निया सिस्टम, स्टोपास प्री पेरिटोनियल रिपेयर। सो बेसिकली ऑल दीज आर द मेथड्स टू प्रोवाइड द स्ट्रेंथन, टू स्ट्रेंथन द पोस्टीरियर वॉल। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट हर्निया। थैंक यू सो मच।